हेलो एंड वेलकम टू medialens.com और दोस्तों स्वागत है आपका इस FL स्टूडियो वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक सॉन्ग तैयार किया है जिसके अंदर पहले मैं आपको ये सुनाऊंगा, फिर बताएंगे हम इसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, क्या क्या इसके पीछे थॉट्स वगैरह थी और हम इसे तैयार करेंगे। और मैं आपको खैर ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं दे सकता, बट मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसमें मैंने कैसे ये क्रिएट किए हैं। इसके अलावा हम जो है इस तरह की एक और बीट आने वाले वीडियो में भी सीखेंगे कि आखिर कैसे बनाते हैं। इसमें आपको इसका ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कैसे मैंने इसमें ये एलिमेंट्स वगैरह चूज़ किए हैं, कैसे ये चीज़ें बनाई हैं। और पहले मैं आपको ये सुना देता हूँ ये है क्या, और उसके बाद में हम बात करेंगे। तो लिसन केयरफुली। तो कुछ इस तरह से, तो ये थी। अभी हम बात करेंगे इसको बनाया कैसे था और इसके पीछे क्या थ्योरी वगैरह थी उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लूँ, और ये काफ़ी सी पी इंटेंसिव प्रोजेक्ट फाइल है इसलिए हैंग होती, इसलिए मैंने इस तरह से MP3 यहाँ पे पेस्ट की। जैसे अगर मैं इसे प्ले करूँ तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी क्रैक करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए मैं उस तरह से प्ले किया था। अभी बात करते हैं कि ये कैसे क्रिएट की। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, और वैसे ये बीट है, इसके ऊपर जैसे अगर कोई गाना लिखना होगा तो वो मेलोडी लाइन जो है सिंगर मेलोडी अलग से आएगी, इसीलिए इसके अंदर कोई लीड वगैरह नहीं थी, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड के अंदर लीड थी। और ये मैंने चेंज कर दिया थोड़ा बांसुरी के हिसाब से, आप उसमें देखेंगे स्क्वायर लीड है, बट आइडिया वही है। तो
वो जो मेलोडी है वो सिंगर अपने हिसाब से देखेगा इस सॉन्ग के हिसाब से जो उसे पसंद आती है या जो भी लिरिक्स होंगे। बाय द वे जो सॉन्ग है ये सेल पे है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक की मदद से भी ख़रीद सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कैसे क्रिएट किया था। सबसे पहले जो मैंने कोड्स क्रिएट किया था इसमें, और ये आपका जी माइनर स्केल के अंदर है, अगर मैं इसे प्ले करूँ। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोड क्रिएट करता था पहले, तो क्या होता था, जैसे ये जी आप जैसे जी माइनर में क्रिएट किएंगे, ठीक है, उसके बाद में वो नीचे था यहाँ पे, और अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होगा, और इससे मैं यहाँ और भी ज़्यादा, कम ऑन, इस तरह से। और इसके बाद ये, अब ये कॉर्ड आप सुने, और एक ये जो वाले हैं कॉर्ड आप इन्हें सुने तो आपको थोड़ा फर्क सुनाई देगा। वो फर्क ये है कि जैसे हम जब रियल लाइफ में जब पियानो प्ले करते हैं तो वहाँ पे क्या है, ये हमारी जो कीज होती हैं, मतलब इन्हें आप कितनी जोर से दबाते हैं, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, यानी कितनी ज़ोर से आप प्रेस करते हैं उसका फ़र्क पड़ता है। तो सेम वही है इसमें, जैसे इनकी वेलोसिटी है सबके इक्वल है, इसलिए एकदम हार्ड हिटिंग है। और अगर आप इन वेलोसिटी को चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल क्लिक करके, और इसकी वेलोसिटी को आप कम कर दें, ठीक है, और इसकी वाली को थोड़ा और वेरिएशन दे दें, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है आवाज़। और आप चाहें तो और भी वेरिएशन दे सकते हैं, आपको किसको ज़्यादा क्या रखना है, ठीक है, तो पूरी तरह से साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। और इसके अलावा आप इस तरह से क्लिक करके, और आप ऑल्ट के साथ स्क्रॉल भी कर सकते हैं इनको चेंज करने के लिए, तो आप इनमें वेरिएशन दे सकते हैं, जैसे इस तरह से, तो ये ज़्यादा है, तो मैं रूट नोट को थोड़ा ऊपर रखूँगा और बाकी सबको थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। और आपको रैंडम ही देना है, क्योंकि हम जब असली में पियानो प्ले करते हैं तब भी रैंडम ही होता है। तो इस तरह से थोड़े रियलिस्टिक पियानो वगैरह हो जाते हैं। और ये एक कमी थी जो पहले मैं म्यूज़िक बनाता था, इतना रियलिस्टिक नहीं लगता था, अभी ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो सॉन्ग था वो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन से स्टार्ट हुआ था, ये पियानो वाले कॉर्ड प्रोग्रेशन पे। और अब जाके देखें तो इस पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स नहीं लगाए हुए, इस पे एक सिंपल सा रिवर्ब है, और ये ड्रम रिवर्ब है, ज़्यादा वाइड नहीं है, तो आपको एक कमरे वाली सी फीलिंग आती है यहाँ पे। और इवन इसे हटा देंगे तो बिल्कुल ना के बराबर रिवर्ब है ये। जब एक बार ये रिवर्ब हमने लगा लिया था यहाँ पे, तो इसके बाद इसमें मैंने ये गिटार ऐड किया है। ये गिटार के लिए मैं जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ वो है जी एस स्ट्रम, या स्ट्रम जी एस, आप जो भी इसे कहते हो। इसके अंदर ये क्लीन स्लेट नाम के प्रीसेट है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसको बिना किसी इफेक्ट के हम सुनेंगे तो कुछ कुछ ऐसी आती है। तो इसमें मैंने क्या किया था, ये जो बीच वाला नोट था इसको मैंने एक ऑक्टेव ऊपर भेज दिया, तो ये अभी भी जी माइनर ही है लेकिन ये एक ऊपर है। और ये एक्स्ट्रा नोट मैंने ऐड किया था, और सेम वही इसमें भी वही वेरिएशन दे रखे हैं। इसके बाद में इसमें इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास इफेक्ट नहीं है, वैसे मेन जो दो इफेक्ट हैं, सबसे पहले ईक्यू इसका लो एंड हटाने के लिए,
और यहाँ पे वोकल्स को प्रेजेंस मिल सके इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया था और थोड़ा मिक्स हमारा क्लीन रह सके। इसके अलावा इस पे रिवर्ब हमने अप्लाई किया है। ठीक है, ये और एकदम हल्का सा रिवर्ब है, रोम रिवर्ब। इसके अलावा स्टीरियो एनहांसर, और इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग वाले प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये वाइड फीलिंग आए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मेन आइडिया यही था हमारा। सबसे पहले मैंने गिटार और पियानो क्रिएट कर लिए। इसके बाद में जो सेकंड हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, वो होती है इसमें बेस की। तो इसके बाद बेस ये था। ये जो है आपका स्लैप बेस है, ये जो आपका सॉरी गिटार जो होता है उसके अंदर पिकअप बेस होता है। और ओरिजिनली ये बिल्कुल अलग था, जैसे मैं आपको अगर सुनाऊं तो ओरिजिनली ये था। और यही आपका वो जो पियानो कोड्स हैं उनका लोअर नोट्स हैं ये। और इसके बाद में जो इस पे इफ़ेक्ट्स वगैरह थे उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस पे जो इफ़ेक्ट मैंने लगाया था वो है EQ2, क्योंकि मैं जो मेन बेस है हमारा उसके लिए मैं अलग से ई बेस यूज़ करूँगा गिटार का, लेकिन इसका मैंने थोड़ा सा वो एकदम सब वाला लो एंड हटा दिया और लो को थोड़ा और कम कर दिया। अब इसमें जो वो रोबोटिक टाइप की साउंड है वो इसकी वजह से आती है। तो इसमें इफेक्टर में आप जाएंगे यहाँ पे, और ये वॉक्स प्रीसेट होती है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है। और इसका बाईपास आपको ऑफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्लिक करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। और इसके बाद में थोड़ा बेस ज़्यादा हो गया था तो उसको मैंने इससे हटा दिया था। अब आप देख सकते हैं इसमें जो वेरिएशन है वॉल्यूम में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैंने कंप्रेसर यूज़ किया था। बेसिकली इसका काम क्या है कि जैसे माइनस, ये माइनस इसके अराउंड है, जैसे मैं इसे और कम कर दूँ -19 के। यहाँ पे मैंने एकदम हाई रेशियो जितना हो सकता है उतना रखा था, और इस अटैक को 0 मिलीसेकंड, मतलब है कि उस बेस को ये फ्लैट कर सके, ये जो ज़्यादा वेरिएशन ना आए। और इसके बाद में मैंने फ्रूटेल लिमिटर यहाँ पे ऐड किया है, ये साइड चेनिंग के लिए है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में हमारे पास में एक ई बेस था, जैसे ये है। इसके लिए मैं नेक्सस यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ई बेस है और गिटार का ई बेस है ये। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें वही एक तो हमारे पास में कंप्रेसर है ताकि जैसे आप पहले सुनेंगे ये वॉल्यूम फ्लक्चुएट कर रही है, और अब लगभग स्टेडी है। तो एक तरह से वॉल्यूम में जो उतार चढ़ाव है उसको कम करने के लिए आप ये जो है वॉल्यूम में कम यानी ज़्यादा कंप्रेस वगैरह है आप बेस साइड में कर सकते हैं, लेकिन हाई एंड को ज़्यादा कंप्रेस ना कीजिएगा, तो वो थोड़ा स्क्विशी टाइप से साउंड आती है उसकी। इसके बाद इसमें थोड़ा मिड वाला जो एरिया था ये वाला मैंने सारा हटा दिया है, और उसके बाद में फ्रूटी लिमिटर ताकि मैं इसे साइड चेन कर सकूं। अब मेन हमारे एलिमेंट यही थे, हमारे पास गिटार आ गया था, पियानो आ गया था, और ये किसी रीज़न से, और ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा मेन ई बेस, हम यहाँ वाले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, ये सब आ गया। इसके बाद में हमने इसमें जो है कॉरस मैंने ऐड किए थे, और कॉरस में आप देख सकते हैं मैं एक स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहा हूँ, एक सेलो और एक आह कोर है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग सुनाता हूँ। और स्ट्रिंग्स पे वही इफेक्ट आपके कंप्रेसर, सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं है, 11 नंबर पे इस पर बेसिकली रिवर्ब भी होगा। सभी स्ट्रिंग और सेलोस पे मैं रिवर्ब भी अप्लाई करता हूँ, और रिवर्ब में ध्यान दीजिए लो कट को हमेशा हटा दीजिएगा। बेसिकली रिवर्ब इसलिए होता है क्योंकि जब ट्रांजिशन करते हैं एक नोट से, एक कॉर्ड से दूसरे में, तो ये थोड़ा और जो है आपका स्मूथ हो जाता है।
ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास सेलो है। और इसके बाद में ये आहकोर। और आपको ये सारे जो है मैंने आपको एक बार पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाएंगे यहाँ पे जैसे पैक्स में, इसके बाद आप जाएं या इंस्ट्रूमेंट्स और फिर ऑर्केस्ट्रल, यहाँ पे आपको ये आहकोर जो है स्ट्रिंग सेक्शन वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लेगेसी में जाके इंस्ट्रूमेंट्स और कोर इनसे भी वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। इनको सिंपली आपको यहाँ पे लेके आना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे लेके आता हूँ, ठीक है। और ये हमारा आ गया, इसमें हम जाएंगे एनवलप टैब में, फिर अटैक को हम थोड़ा इस तरह से कर देंगे, और सस्टेन को ठीक है कुछ इस तरह से। और इसके बाद में जैसे मैं स्ट्रिंग को इसमें पेस्ट करता हूँ, पहले सुनते हैं, तो जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस 16 नंबर में, अब देख सकते हैं इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लो एंड है, तो मैं इसे हटा दूँगा। और इस पर रिवर्ब अप्लाई कर देंगे, और इससे आप जैसे मिक्सिंग वगैरह और करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ से आप वो आप जाए इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, और ऑर्केस्ट्रल, यहाँ से वो सारे यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ट्यूटोरियल की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रिंग, ये सेलो और ये आहकोर, और आप देख सकते हैं इसमें भी वही मैंने रिवर्ब और स्टीरियो इन्हेंसर, और ये आहकोर जो है 7 नंबर पे है, इस पर भी सेम ईक्यू और रिवर्ब, वही लो एंड हटाने के लिए। इसके बाद में हमारे पास मेन ड्रम्स बैठते हैं, बस उससे पहले एक और चीज़ है जैसे गास्प जो है, ये क्या है, तो ये एक्चुअल में मैंने क्रिएट किया था, ये आप नेट पे जाएंगे, फीमेल आ साउंड जो है वो थी इसके अंदर, ये एक फीमेल आ ऐसे करके कुछ साउंड आती है, उसको मैं यहाँ पे एडिसन के अंदर लेके आया। सबसे पहले मैं उसे न्यूटन में लेके गया था, ताकि उसके जो नोट है वो मैं उन्हें एक नोट पे लेके आ सकूँ, जैसे उसमें इस तरह से करती है जब वो फीमेल, तो नोट में उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो मैंने एक फ्लैट नोट किए थे। उसके बाद में उसको एडिसन में लेके आके, जैसे इसमें एडिसन में लेके आके, और इसमें एक ब्लर टूल होता है ये वाला, ये ब्लर टूल, इसके हेल्प से क्या है कि आप जैसे जो आवाज़ है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें जैसे ये आवाज़ है, इस पर आप ब्लर करेंगे, और मैं ओके करूं, तो ऐसे एक तरह से बहुत सारी लेयर क्रिएटेड के उनको आपस में ब्लर करवा लेता है। तो वो इस तरह से ये क्रिएट किया हुआ था, ये जो गास्प साउंड है, और इसके बाद में इसे 14 नंबर पे है, और इस पर फिर वही ईक्यू अप्लाई करके, इस पर लो एंड और ये थोड़ा ईक्यू, और इसके ऊपर रिवर्ब मैंने अप्लाई करके, और स्टीरियो इन्हांसर से इसको साइड में फीलिंग दी थी, तो ये पहले ही ऐसा था, ठीक है, और फिर EQ, फिर रिवर्ब, और रिवर्ब में मैंने जो ड्राई वॉल्यूम को कम कर दिया, आप देख सकते हैं, तो ये जस्ट उसे फील देने के लिए है यहाँ पे, जैसे आप सुनेंगे कुछ एक पार्ट मैंने यूज़ कर रखा है, और एंडिंग में भी यहाँ पे। इसके बाद में एक ये लास्ट में मैंने वॉयलिन वाला पार्ट भी ऐड किया था, जैसे आप यह सुनेंगे, और ये रहा, और इस गास्प के साथ में कुछ तरह से सुनाई था, तो
तो यहाँ पे मैंने वॉयलिन यूज़ कर रखा है और सेम इस पे वही सेम इफ़ेक्ट्स होंगे, रिवर्ब और आपका ईक्यू वगैरह। तो ईक्यू लो एंड हटाने के लिए, फिर आपका रिवर्ब और इसके अलावा बैलेंस, फ्रूटी बैलेंस मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं इसकी वॉल्यूम को ऑटोमेट कर सकूँ। और इसको मैं ऑटोमेट नहीं करना चाहता कि ताकि मैं बाद में वॉल्यूम एडजस्ट कर सकूँ। और ये मेरा पैरामीटर जो है, मतलब मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑटोमेट कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कभी भी वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें जो फाइनली एक चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है, और ये नेक्सस की आप आरपीजीओ में जाएंगे तो यहाँ पे ये एक ब्रोक्यू रेजिस्ट रेनेजिस्टेंस जो भी है, ये कुछ एआरपी है। तो मैं यहाँ पे क्या टेस्ट करता रहा हूँ, तभी अलग अलग टाइप की, और इनके अराउंड आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, आप चाहे तो ये बुलेट टाइम, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा डांस पैटर्न, इसके अलावा फिंगर पिक्स, तो यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस, ये वाली प्रीसेट मैंने यूज़ की थी, तो इससे ये जो है बना हुआ था। इसके बाद में जो मेन पार्ट रहता है वो है हमारा ड्रम्स वाला, तो ये ड्रम्स है। तो सबसे पहले इसमें राइड है हमारे पास, और पहले मैं आपको ये रिवर्ब वगैरह हटा देता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ क्या इसका प्रोसेस रहता है। इसको मैं हटाता हूँ, ये हमारे पास राइड है और राइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ये राइड है ही ऐसी, इससे जैसे रिवर्ब लगा हुआ है। इसके अलावा साइड चेन के लिए मैं एक स्नेयर है ये, और ये आपको सुनाई नहीं देगी, अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। तो साइड चेन के लिए आपको एक शॉर्ट टाइप की साउंड यूज़ करनी होती है, मतलब पहले हम यूज़ करते थे किक वगैरह, बट इसके क्या ज़्यादा फैट है, ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये स्टिक एकदम शॉर्ट है, मतलब फास्ट अटैक टाइप से, तो ये मैंने यूज़ की है ताकि जल्दी बंद हो जाए। इसके बाद ये किक है हमारे पास में, और एक चीज़ है कि ये किक बाय डिफ़ॉल्ट सी पे होती है, और इसे मैंने यहाँ लेके आया था मैं, खैर इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट जैसे क्या होता है कई बार, ओके, तो इसकी मैंने वहाँ पे चेंज कर दी कि कई बार जैसे किक जो है आपको उसकी पिच भी ट्यून करनी होती है, जैसे 808 में हम उसकी 808 को ट्यून करते हैं, वैसे किक की जो पिच है वो भी आपकी ट्यून होनी चाहिए, वरना वो साउंड सही नहीं आएगी। अभी ये जो है साउंड ठीक आ रही है। इसके अलावा हमारे पास स्नेयर है दो टाइप की, ये हमारी मेन स्नेयर और एक ये साइड स्नेयर, तो मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ, एक स्नेयर को मैं सेंटर में रखता हूँ, ठीक है, ये स्नेयर है, इस पर ईक्यू अप्लाई करके मैंने सारी लो फ्रिक्वेंसी हटा दी, फिर एक हल्का सा रिवर्ब, रिवर्ब का टच है सिर्फ, ये आपको सिर्फ ये फील होगा जैसे, और इसके बाद में ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो सके, और इसके बाद में ये जो स्नेयर है दूसरी, ये साइड में है जैसे, आप साइड में, ताकि क्या थोड़ी वाइड फीलिंग सी आ जाती है, और अब इस तरह से। इसके अलावा एक सिंपल सी हैट और एक क्लैप, और एक क्लैप बीट के वहां पे है, और इसके अलावा ये दो बार, ये ओरिजिनल इस तरह था, इसको इस तरह से किया मैंने, ठीक है, और ये एक किक है जो थोड़ी स्लैम या बैम इस तरह की किक है ये, और इसके ऊपर जो इफेक्ट लगाया हुआ है वो सबसे पहले ईक्यू है, थोड़ा सा इसका जो 18 हर्ट्ज वाला एरिया बूस्ट किया है ताकि ये स्पीकर में थोड़ा आपको वैसे सुनाई दे। इसके बाद में इस पर थोड़ा सॉसेज फैटनर है, एक हल्का सा 4 से 5% के बीच हल्का सा कलर, ताकि ये थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा डिस्टोर्शन इस पर हो जाए, जैसे बिना इसके ये ऐसे सुनाई देते। हल्का सा और एक साउंड की ड्रेजर मैंने बिल्कुल हल्का सा यूज़ कर रखा है ये प्रीसेट, ठीक है, इस तरह से, और फिर ये स्नेयर, ये दूसरी स्नेयर, दोनों एक साथ,
और इसके अलावा हमारे पे एक क्लैप है, क्लैप पे भी वही रिवर्ब और तीनों एक साथ। इसके बाद हैट, और इसके बाद ये ओपन हाई हैट लास्ट वाली, और फिर ये राइड शुरू में हिट देने के लिए। उसके बाद में ड्रम्स के ऊपर मैंने जो है एक सॉसेज फैटनर हल्का सा ऐड किया है, वही 3-4%, और हल्का सा मैंने रिवर्ब अप्लाई किया है क्योंकि पूरा ऑर्केस्ट्रल टाइप का है इसलिए। ड्रम्स पे जब आप रिवर्ब अप्लाई करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप ये लो कट है हमेशा 300-400 हर्ट्ज़ से ऊपर ही रखें, नहीं तो आपका जो बेस है वो मड़ी हो जाएगा। और फिर ये फ्रूटी कंप्रेसर ताकि इसकी वॉल्यूम मैं कम कर सकूं। अभी देखेंगे वॉल्यूम जो है यहाँ तक जा रही है, लगभग -2 डेसिबल तक मेरे को कम रखनी है। कुछ इस तरह से, और ये हमारा ड्रम वाला पार्ट डन हो गया था। इसके अलावा इसमें ये जो पियानो वाले पार्ट हैं ये मैंने ऐड किया है, तो इसमें जैज़ी, ये आप नेक्सस में क्लासिकल में जैज़ी गिटार देख सकते हैं। वही इसको मैंने इस पे EQ और स्टीरियो इन्हेंसर की हेल्प से इन्हेंस कर रखा है, तो ये कुछ इस तरह सुनाई देते हैं। और ये हमारा बेस थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस आपको मैं सुनाई चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बस यही था। इसके अलावा इसमें मैंने जो मेन जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये काफ़ी है कि एक फायर करके साउंड है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं फायर साउंड इफेक्ट। और इसको जैसे मैं इफ़ेक्ट्स ऑफ करता हूँ, जैसे नॉर्मल आवाज़ आग जो जलने की साउंड होती है वही है। इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहले EQ वो लो एंड हटाने के लिए, और एक हल्का सा रिवर्ब, फिर फ्रूटी लिमिटर। ये इस तरह था क्योंकि इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये जो पीक बनी हुई है ये वाली बीच में, ये कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जा रही थी तो इसलिए मैंने लिमिटर ऐड कर दिया, फिर स्टीरियो एनहांसर इनको वाइड फीलिंग देने के लिए। और बस यही था इसके अंदर। और इसमें जो साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह थे वो यही है, निर्मल नॉर्मल। एक आपको ये क्रैश रखना होता है, एक तो ये वाला आपको जगह जगह पे पेस्ट करना होता है, ठीक है। और एक आपको मेन आपका जो डाउन है ये मेन क्रैश है, ये आपकी जो बड़े बड़े जो इम्पैक्ट होते हैं वहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिएगा। और इसके अलावा एक अपलिफ्टर, ठीक है। ये तो आप साउंड इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक तो आपका नॉर्मल रिवर्स क्रैश और क्रैश, इसके अलावा आपका मेन एक अपलिफ्टर और एक डाउनलिफ्टर। तो ये जो मेन अपलिफ्टर डाउनलिफ्टर है ये आप इम्पोर्टेंट जो होते हैं जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, जैसे वर्स से कॉरस या वहाँ वाले पार्ट पे, और ये जहाँ पे भी ड्रम बीट चेंज होती है वहाँ पे इन्हें ऐड कर सकते हैं, इन नॉर्मल रिवर्स क्रैश और क्रैश को। इसके अलावा इसमें एक लीड थी, इसके लिए मैंने साइलेंट यूज़ किया था, उसमें मैंने प्रीसेट भी सेव कर रखी है। खैर अब क्योंकि ये वोकल इसमें आएंगे बाद में तो इसलिए हम लीड को ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिखा सकते। ज़्यादा प्रेजेंस का मेरा मतलब ज़्यादा इनको हम क्लियर नहीं रख सकते, यानी जैसे ये इस तरह से नहीं दिखा सकते, ये नोटिसेबल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ड्राई अमाउंट बहुत कम है।
और इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी कम है ताकि ये सिर्फ बेयरली सुनाई दे और बैकग्राउंड में फिल दे सके। इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है वो वही अरेंजमेंट का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और अरेंजमेंट में बस ये ध्यान रखिए कि आपको जो शुरू वाला पार्ट है ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनाना होता, मतलब एकदम कॉरस के जैसा नहीं। तो इस अभी मैं वो MP3 फाइल जो है वही इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा हैंग कर रहा है। हाँ, इसके अलावा ये इम्पैक्ट, हाँ ये भी मैंने यूज़ किया है जगह जगह पर। तो इसके अंदर होता क्या है पहले, जैसे खैर आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसे जो है सॉलो कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, पहले पियानो और गिटार वगैरह स्टार्ट है और वो फायर से, फिर मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा वो स्लैब बेस वगैरह ऐड किया। तो यहाँ पे जो स्लैब बेस और ये रेजिस्टेंस जो है वो ऐड किया है और यहाँ से थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैज़ जो ही ऐड कर दिया। बाकी ये पूरा रिपीट ही होता है और ये थोड़ा ब्रेक है तो यहाँ पे स्लैब बेस हटा दिया। और यहाँ पे फिल के लिए मैंने सब बेस वाला बूम यूज़ किया है और ये काफ़ी आसान है बनाना। आपको सिंपली एक 3x ऑसिलेटर लेना है और इसमें सबको वॉल्यूम कम कर देनी है और एक साइन वेव लेनी है सिंपल सी। और इसके अंदर क्योंकि ये सॉन्ग जी माइनर के अंदर था तो मैंने यहाँ पे जी नोट ले लिया। नीचे वाले को आपको स्लाइड करवाना होता है और ये G2 से ये आपका G4 तक आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है वही आपका मिक्सिंग और मास्टरिंग का। और वही आपका रिपीट होता रहता है। बाद में गास पैड कर दी इसमें और ये लीड, फिर आपका ब्रेक, फिर यहाँ पे बीच में आपका ड्रम आते हैं बट यहाँ पे वो जो ई बेस है वो नहीं होता। और ना आपके वो ये जो कॉर है ये होते हैं। और फिर आपका दोबारा एक बार ब्रेक, और इस बार ये ड्रॉप का जो सेकंड पार्ट है इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे ये आपका वो वायलिन वगैरह। और वही आपके एंडिंग। तो यहाँ आप कह सकते हैं जो मेन सॉन्ग की स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो तो था कॉर्ड से, यानी सबसे पहले आपको अच्छे कॉर्ड जो है वो डिसाइड करने होते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो ये गिटार है। तो ये गिटार और ये पियानो ही है जो इस सॉन्ग को मेन बनाते हैं। इसके बाद में बाकी का जो सॉन्ग है उनके अराउंड ही बनाया हुआ है। तो यही था। और इसके अलावा मिक्सिंग के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जैसे इस सॉन्ग को मिक्स करते टाइम पे मैं जो है, ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है FL Studio 12 का, आप यहाँ पे अपना माउस रख सकते हैं और अपने स्क्रॉल व्हील से इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इसको एकदम ज़ीरो कर लीजिए और इसके बाद में स्क्रॉल अप करते रहिए और आँख बंद कर लीजिए अपनी और गाने को सुनते हुए और इसको स्क्रॉल अप कीजिए। और उस टाइम पे जब आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट पे सही है या फिर ज़्यादा करने से वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है या
इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे कम कीजिए, और मिक्सिंग जो है आँख बंद करके करने की कोशिश कीजिए। तो मतलब आपको क्या है, देख के नहीं करनी मिक्सिंग, आपको सुन के करनी है। तो सुन के देखिए कि वो वॉल्यूम सही है नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम में और क्या होना चाहिए वगैरह। तो इसकी जो मैंने मिक्सिंग वगैरह है पूरी इस तरह से आँख बंद करके करी थी, वॉल्यूम एडजस्ट वगैरह, अपनी आँख बंद करके इसे सुनता रहा और इसे वॉल्यूम को मैं जो है कम या ज़्यादा करता रहा जब तक कि मुझे सूटेबल लगा उस हिसाब से। तो ये इस तरह से ड्रम्स स्नेयर सब कुछ मिक्स कराए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्नेयर है जो वो है फुल वॉल्यूम पे छोड़ रखी है, और जनरली मैं अपने वीडियो में क्या करता हूँ कि स्नेयर को कम कर देता हूँ, और किक मेरी हमेशा जो है ज़ीरो पे रहती है, लेकिन किक यहाँ पे एक्चुअल में कम है। तो वो रीज़न इसलिए कि क्योंकि इसकी वॉल्यूम मुझे ज़्यादा लग रही थी और मैंने इसे कम कर दिया। तो आपको सुन के देखना होता है ना कि देख के, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मास्टरिंग के अंदर कुछ खास नहीं है, आपका मास्टर मैंने यहाँ पे जो मैक्सिमस है उसके हेल्प से मास्टरिंग कर रखी है थोड़ा फ्लैट करने की कोशिश, फिर यहाँ पे ईक्यू की हेल्प से हल्का सा मैंने मिड को कम किया था और हाई ये कर दिया था, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाती है इससे और थोड़ा सा ये एटी को बूस्ट, और फिर यहाँ पे मैं ये जो मेन मेरा फैब फिल्टर प्रो एल यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जो है आप जैसे जाएं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डांस इलेक्ट्रॉनिक या किसी में भी, यहाँ पे आपका ट्रांसमिट ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होता है, ट्रांसपेरेंट लिमिटिंग का, इसको मैं यूज़ करता हूँ। सिंपली आप ट्रांसमिट लिमिटिंग को यूज़ करके और आपको इस गेन नॉब को बढ़ाना होता है। तो काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ एक गेन तब तक बढ़ाना है जब तक आपको अपनी साउंड ठीक लगे, और प्रो एल मेरे ख्याल से बाकी सभी लिमिटर प्लगइन से सबसे अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है फ्रूटी लिमिटर जो है उसकी बजाय भी इसमें जो साउंड है काफ़ी क्रिस्प है, और इवन मतलब बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी साउंड आती है, जैसे कि आप सुन रहे हैं आपकी वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ जाती है और वो पंचनेस है वो भी बनी रहती है। मैंने जब सॉन्ग बनाया था तो ये काफ़ी क्वाइट था, इवन जैसे ये जो सॉन्ग था मैं हेडरूम रखता हूँ हमेशा, जैसे सॉन्ग शुरू से जो बनाता हूँ जो सॉन्ग का जो मेन पार्ट है तो आप देख सकते हैं -6 और -9 ये वाली लाइन में रहता है, और इस पर जैसे जैसे इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। जैसे सबसे पहले मैक्सिमम था और इस पर मैं ये सोलो हटाना पड़ेगा, तो -6 -8 के अराउंड, फिर इस पर ईक्यू अप्लाई किया, इससे वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मेन जो वॉल्यूम बूस्ट है वो इस प्रो लिमिटर की हेल्प से आता है इस तरह से, और ये फाइनल ईक्यू, ये पता नहीं मैंने क्यों लगा रखा है बट ये ऑलरेडी ज़ीरो पर लिमिटिंग है तो मैं इसे हटाई देता हूँ। तो इस तरह से, तो ये था कि कैसे मैंने ये बीट वगैरह इसमें तैयार की थी, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक की मदद से देख सकते हैं, वहाँ पे ये बीट स्टार पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। बाकी इसको लेके मैं जो है आपको एक नया वीडियो में बताऊंगा, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कैसे बनाते हैं, बाकी मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के भी बताऊंगा कि आखिर बनाते कैसे हैं, मैं बकायदा लाइव आपके सामने वो सारे स्टेप्स वगैरह कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक थियोरिटिकल पार्ट था कि कैसे बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, स्टिल आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।